हेलो दोस्तों, तो बात करें हमारी सबसे पहली खबर की, तो विजय देवरकोंडा की पेन इंडिया फिल्म जो कि हिंदी के साथ और भी कई भाषाओं में रिलीज़ होगी, जिसकी रिलीज डेट अब फिक्स हो गई है, और साथ ही साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा की ब्लॉकबास्टर फिल्म एक विलन के दूसरे पार्ट की भी अनाउंसमेंट हो गई है कि फिल्म कब रिलीज़ होगी और इस फिल्म में हमें कौन कौन से कलाकार नए देखने को मिलेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले तो पहुँचे। बात करें सबसे पहले खबर की, तो बाहुबली के डायरेक्टर SS राजमौली अपनी नेक्स्ट फिल्म का अनाउंसमेंट कर सकते हैं, जो कि इस वक्त TRRR की शूटिंग में व्यस्त हैं। उसके बाद उनकी नेक्स्ट फिल्म रामायण हो सकती है, जो कि अब तक की सबसे बिग बजट की फिल्म होगी, और इस फिल्म में साउथ से लेकर बॉलीवुड तक सेलिब्रिटीज देखने को मिलेंगे। तो इस फिल्म में सुपरस्टार महेश बाबू का नाम भगवान श्री राम के लिए आ रहा है, तो वहीं इस फिल्म में दीपिका पादुकोण को माता सीता के लिए कास्ट कर लिया गया है, और वहीं इस फिल्म में रावण के रोल के लिए ऋतिक रोशन से बात चल रही है। तो कुछ ही दिनों में कंफर्म हो जाएगा कि SS राजमौली की अपकमिंग आने वाली फिल्म रामायण ही हो सकती है। तो बात करें अगली खबर की, तो जूनियर NTR की फिल्म RRR की शूटिंग कंप्लीट करने वाले हैं। इनके बाद उनकी नेक्स्ट फिल्म KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ हो सकती है, ये तो रूमर्स है, बाकी कुछ ही दिनों में कंफर्म हो जाएगा। और अगर बात करें प्रशांत नील की, तो KGF 2 की शूटिंग पूरी कर चुके हैं। इसके बाद वो अभी SLR की शूटिंग में व्यस्त हैं, जो कि प्रभास के साथ होगी। फिर इसके बाद वो बगीरा की शूटिंग करेंगे, जो कि श्री मुरली के साथ होगी। तो वो एक यूनिवर्सल बना रहे हैं, जो कि बड़े बड़े एक्टर्स के साथ अपनी नेक्स्ट फिल्म लेके आने वाले हैं। तो देखना होगा कब तक ये कंफर्म किया जाता है। तो बात करें हमारी अगली खबर की, तो कुछ दिनों पहले हमने हमारे एक वीडियो में बताया था कि एक विलन का दूसरा पार्ट आने वाला है, तो इस पार्ट का नाम होगा एक विलन रिटर्न, जिसमें हमें देखने को मिलेंगे जॉनी ब्राइम, अर्जुन कपूर, दिशा पटनानी, तारा सितारा, और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे मोहित सूरी, जिन्होंने इसके पहले पार्ट को डायरेक्ट किया था। और ये फिल्म एक साल बाद 11 फरवरी 2022 को हमें थिएटर्स में देखने को मिलेगी। तो बात करें हमारी अगली खबर के बारे में, तो विजय देवरकोंडा की अपकमिंग पेन इंडिया फिल्म लीगर, तो इस फिल्म की हिंदी के साथ सभी भाषाओं में 9 सितंबर को हमें थिएटर्स में देखने को मिलेगी, जिसकी रिलीज अब कंफर्म कर दी गई है। साथ ही साथ इसका सेकंड लुक भी रिलीज किया गया है, और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे पूरी जगन्नाथम, जिन्होंने राम पुल्टनी की फिल्म स्मार्ट शंकर को डायरेक्ट किया था। तो बात करें अगर अगली खबर के बारे में, तो टाइगर की अपकमिंग फिल्म गणपत, जिसमें से आज सेकंड लुक रिलीज किया गया है, और बताया गया है कि टाइगर के साथ हमें इस फिल्म में कीर्ति सेनन भी देखने को मिलेगी, जिसका पहला पार्ट 2022 में हमें थिएटर्स में देखने को मिलेगा। और बात करें आज की हमारी आखिरी खबर के बारे में, तो विशाल की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म चक्रा, तो खबर ये है कि ये फिल्म भी मास्टर की तरह हमें पेन इंडिया हिंदी में देखने को मिलेगी। तो कुछ दिनों में ये कंफर्म हो जाएगा, और इस फिल्म का ट्रेलर भी आने वाला है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।